नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। दिल्ली में 2012 में हुई निर्भया के साथ दरिंदगी को लोग आज भी नहीं भूले हैं, और फिर एक बार देश में ऐसी ही दरिंदगी का मामला सामने आया है। वारदात मुंबई की है, जहां एक 30 साल की महिला के साथ बलात्कार किया गया और फिर महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी गई और महिला की बुरी तरह पिटाई भी की। 33 घंटे बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पूरी घटना मुंबई के साकीनाका इलाके की है, जहां खैरानी रोड पर पहले तो महिला के साथ बलात्कार किया गया और फिर आरोपी ने महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने वारदात को ऑटो में अंजाम दिया। बलात्कार करने के बाद आरोपी ने महिला को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और फिर महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन आया कि एक महिला बेसुध हालत में खून से लथपथ साकीनाका के खैरानी रोड पर पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला 33 घंटे बाद जिंदगी की जंग हार गई। घटना की सूचना मिलते ही DCP और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त साकीनाका थाने पहुंच गए। पुलिस को आशंका है कि इस घटना को अंजाम देने में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी मोहन चौहान से पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ अभी तक 307, 376, 323 और 504 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC News।